यूपी के बांदा में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। आरोप है कि लड़की के घर वालों ने प्रेमी जोड़े को जिंदा फूंक दिया। दोनों की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। आरोप है कि इससे पहले भी उनकी कुल्हाड़ी और डंडों से जमकर पिटाई की गई थी। इस मामले में लड़की के घर वाले समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वारदात में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक महिला भी शामिल है। जिला अस्पताल में देर रात खुद DIG, SP और DM भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। बांदा रेंज के DIG के सत्यनारायण ने बताया कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसी से आग बबूला लड़की के परिजनों ने उन्हें जिंदा जलाकर मार दिया। वहीं लड़के के पिता ने बताया कि लड़के को धोखे से बुलाकर ऐसा किया गया है। प्रिया का परिवार का जन मतलब उनका पिताजी खेत में गए थे और उनका माताजी बांदा आई थी और उनका भाई जो है वो भी लाखन सिंह वो भैंस चराने के लिए वो गए थे। तो इसके बाद ये लड़की घर में अकेली थी और लड़का को बुलाया था और लड़का लड़के घर में थे। जब ये लाखन सिंह वापस आया और पिताजी और माताजी भी वापस आ गए थे, ये वापस आने के बाद लड़का और लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में देख के आक्रोशित हुआ और आक्रोशित होकर यह लड़का लाखन सिंह ने उनको कुल्हाड़ी से मारा। तो दोनों जो है घायल हो गया था, वहीं उसको मार के फिर दोनों को एक कमरे में बंद करके ये सब लोग मिलके उसको मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। वही इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अपराध में पहले पायदान पर है। अगर ये सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकती तो इसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बांदा की घटना दिल दहला देने वाली है। उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और बाहर के लोग यहाँ आने से डरते हैं। यहाँ कानून का राज नहीं है। अयोध्या में कल प्रधानमंत्री जब सियावर रामचंद्र सियापति रामचंद्र का संबोधन कर महिलाओं का सम्मान बढ़ा रहे थे, उसी दिन बांदा में एक प्रेमी युगल लड़का और लड़की की जलाकर हत्या कर दी गई। स्थानीय पुलिस हमेशा की तरह अनिभिज्ञ थी। बाद में उन्होंने FIR लिखवाए, कुछ लोगों को अरेस्ट किया, कुछ लोग फरार भी हैं। महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। हम प्रथम पायदान पर हैं। लूट, हत्या, अपहरण की घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। देवेंद्र मिश्र हत्याकांड आपने देखा, संजीत यादव देखा, एक बच्चे को गोरखपुर में मार गिराया लोगों ने अपहरण करने के बाद। हमारी सरकार दुखद है और निंदनीय है कि अपराध रोकने के लिए संजीदा नहीं और कहीं न कहीं संरक्षित अपराध को बढ़ावा दे रही है। ये समय है कि अब सिंबलिज्म और संकेतों से आप हटें और वॉक दी टॉक। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता और अन्याय फैलने दे रहे हैं, तो आपको सरकार में बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। बांदा जिले में जिस तरह से प्रेमी और प्रेमिका को कुल्हाड़ी लाठी डंडे से पीट कर काट कर जिंदा जला दिया गया, दिल को दहला देता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आए दिन रोज हत्या, अपहरण, अपराध और ये बांदा की नृशंस हत्या प्रेमी प्रेमिका की, ये प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। लोग बाहर के लोग उत्तर प्रदेश आने से डरते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग आत्मरक्षा के नाम पर, अपनी सुरक्षा के नाम पर आत्मनिर्भर बने या सरकार पुलिस के सहारे रहें, ये तय नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में आए दिन हो रही अपराध की घटनाएं योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बांदा से अजय सिंह चौहान के साथ यूपी तक।